हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी जो हरी मिर्च और प्याज से बनाई गई है। तो इस सब्जी की खास बात है कि यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट में, और यह बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मोटी हरी मिर्च ली है, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती, और साथ ही यहाँ पर 10 से 12 तीखी वाली छोटी जवा मिर्च ली है। साथ ही हमें 2 मीडियम साइज प्याज चाहिए। दोनों मीडियम साइज प्याज को हम छील कर धोकर लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। साथ ही हमने मिर्चों को भी धो लिया है, अच्छी तरह से पानी सुखा लिया है और उनको पतले टुकड़ों में हमने काट लिया है। दोनों ही तरह के मिर्च हम एक साथ ही काट लेंगे, मोटी भी और पतली वाली भी। हरी मिर्च और प्याज की सब्जी में हम करौंदी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप 10 से 12 करौंदे भी पतले टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं सब्जी में। चलिए बनाना शुरू करते हैं प्याज और हरी मिर्च की स्वादिष्ट सब्जी। यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, जिसको गर्म कर लिया है, और 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, और जीरा चटक जाने पर हम यहाँ पर अपनी प्याज ऐड कर देंगे, जो कि हमने पतले टुकड़ों में काटी हुई है। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा सॉफ्ट करना है बस, और थोड़ा सा पिंकिश कलर उसमें आ जाए, बस इतना ही हमें इसे भूनना होता है। 1-2 मिनट में लगातार चलाते हुए ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है और वह थोड़ी सी सुनहरी भी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और 30 से 40 सेकेंड हम इसको चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब हम यहाँ पर अपनी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, और प्याज और मसालों में हरी मिर्च को अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से हरी मिर्च के ऊपर भी कोट हो जाएं। यह प्रोसीजर हमें 30 से 40 सेकंड करना है। अब हम यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी हरी मिर्च जल्दी से पक जाए। पानी ऐड करने के बाद हम इसे चलाना ज़रूरी नहीं है, खाली भाप बनाने के लिए हमने यहाँ पर पानी डाला है। अब हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए मिर्चों को मीडियम आंच पर पकाएंगे। ढक्कन खोलेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन खोलने के बाद हमारी मिर्च और प्याज ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारी मिर्च बनकर तैयार है। यह सब्जी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। देखिए, हमारी मिर्च की सब्जी बनकर तैयार है। हम चम्मच की मदद से दबा रहे हैं तो सॉफ्ट हो गई है। आप इस सब्जी को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा या फिर साइड डिश के तौर पर कभी भी खा सकते हैं। यह बहुत बेहतरीन लगती है और इसका स्वाद भी बिल्कुल किसी भी अचार से अलग ही आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।